छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ में चल रहे भर्ती घोटाले और परीक्षा घोटाले पर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार में माफिया, भर्ती में माफिया, ये जो आशंका है वह परीक्षा दर परीक्षा बलवती हो जा रही है। अभी भी व्यापम ने सहायक शिक्षक के लिए मेरिट सूची जारी की। इस परीक्षा के लिए 10 जून 2023 को जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें 146,176 अभ्यर्थियों की उपस्थिति की बात कही गई थी। 2 जुलाई को जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट की जो संख्या है वो है 146,275 है। 99 अभ्यर्थी अतिरिक्त कहां से आ गए? छत्तीसगढ़ में रोजगार में माफिया, भर्ती में माफिया की जो आशंकाएं हैं वो परीक्षा दर परीक्षा बलवती होती जा रही है। अभी अभी व्यापम ने सहायक शिक्षक के लिए मेरिट सूची जारी की है। इस एग्जाम की के लिए जो प्रेस नोट 10 जून 2023 को जारी की गई थी उसमें 146,176 अभ्यर्थियों के उपस्थिति की बात कही गई थी। वहीं 2 जुलाई 2023 को जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें जो मेरिट लिस्ट में नंबर हैं अभ्यर्थियों की वो 146,275 है। 99 अभ्यर्थी अतिरिक्त कहां से पैदा हो गए? अब उसको लेकर के प्रेस नोट सफाई की जारी की गई है कि पहले टेलीफोनिक आधार पर लिया गया था। क्या पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि टेलीफोनिक आधार पर अनुमानित उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया था। और कभी इनके धावक उसेन बोल्ट से ज्यादा दौड़ जाते हैं, ज्यादा तेज दौड़ जाते हैं, उस पर लिपिकीय त्रुटि कह देते हैं। कभी ये टेलीफोनिक आधार पर लिया गया है कह देते हैं। भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया की आशंकाएं हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार बलवती होती जा रही हैं और छत्तीसगढ़ के युवा भाइयों को कहीं न कहीं अनेक प्रकार के अन्यायों का सामना करना पड़ रहा है जो हम सब के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है।